जी हाँ दोस्तों, अगर आप कम बजट में बढ़िया कैमरा क्वालिटी वाला स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, नहीं ये रहे वो सारे बेस्ट कैमरा वाला स्मार्टफोन, और आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट फ़ोन आपके लिए है। अंडर 20,000 रुपीज़ में आने वाले बहुत सारे स्मार्टफोन और सेगमेंट में कंपटीशन भी है, जैसे रियलमी, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, भाई। काम करते हैं अंडर 20,000 रुपीज़ में हर एक ब्रांड का एक एक फ़ोन चूज़ करते हैं, ताकि आप अपने फेवरेट ब्रांड के हिसाब से अपने लिए अंडर 20,000 रुपीज़ में बेस्ट कैमरा वाला स्मार्टफोन सेलेक्ट कर सकें। कैसा? अरे वाह, गुड आइडिया आइडिया है दोस्तों। मेरा लिस्ट में फिफ्थ नंबर पे है वन प्लस नोट सीई टू लाइट 5G। दोस्तों अगर इनकी डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.6 इंच का 120Hz FHD प्लस LCD का लार्ज डिस्प्ले देखने को मिलता है, बोले तो वाओ। प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का बेहतर प्रोसेसर दिया है। इसमें आपको रैम 8GB और स्टोरेज 128GB देखने को मिलेगा। इनका बैटरी जो कैपेसिटी है 5000mAh का लार्ज बैटरी बैकअप दे रखा है। दोस्तों अगर इनकी कैमरा की बात की जाए तो इनका रियर कैमरा 64MP प्लस 2MP प्लस 2MP एंड फ्रंट कैमरा 16MP। तो कैमरा बोले तो बहुत ही लाजवाब। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? जो आपको 18999 रुपीज में एक बेहतर कैमरा वाला सेंट्रिक फोन मिल जाएगा। दोस्तों नंबर 4 पे है मोटोरोला G82 5G। इनकी अरे डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.6 इंच का 1080x2400 है, जो एक लार्ज डिस्प्ले दे रखा है। प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का एक बढ़िया प्रोसेसर है, और रैम की बात की जाए तो रैम 6GB रैम और स्टोरेज 128GB है। बैटरी कैपेसिटी 5000 का मिलेगा आपको। इनका जो रियर कैमरा है 50MP प्लस 8MP प्लस 2MP एंड फ्रंट कैमरा 16MP। इनकी प्राइस की बात की जाए तो इनका प्राइस 19999 में आपको बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, जो कि एक मोटोरोला के तरफ से एक बहुत ही अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन है। अच्छा हमको सिखा रिया है। नंबर 3 पे आते हैं रेडमी के तरफ से रेडमी नोट 11 प्रो 5G। अगर इनकी डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.6 इंच का 1080x2400 पिक्सल देखने को मिल जाता है। अगर इनके प्रोसेसर की बात की जाए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 बहुत ही एक अच्छे प्रोसेसर के साथ ये फ़ोन देखने को मिलता है। अगर इनकी रैम की बात की 6GB रैम मिलता है और स्टोरेज 128GB। बैटरी बैकअप की बात की जाए तो 5000mAh को बैटरी देखने को मिलता है, जो एक बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। दोस्तों अगर इनकी कैमरा की बात की जो 108MP प्लस 8MP प्लस 2MP एंड फ्रंट कैमरा 16MP। दोस्तों इनकी कैमरा एक बहुत ही लाजवाब कैमरा होता है रेडमी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इनकी प्राइस की बात की जाए तो 19,908 रुपीज़ में मिल जाएगा, जो कि रेडमी की तरफ से एक बहुत ही अच्छा मोबाइल देखने को मिलता है। लिस्ट में सेकंड नंबर पे आता है रियलमी 9 5G CE। अरे देवा। दोस्तों अगर इनकी डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.60 इंच का 1080x2412 का पिक्सल का लार्ज डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इनकी प्रोसेसर की बात की जाए तो प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोस्तों अगर इनकी रैम की बात की जाए तो 8GB रैम मिलता है और स्टोरेज 128। और दोस्तों इनकी बैटरी बैकअप की बात की जाए तो 5000mAh का एक लंबा बैटरी मिल जाता है। दोस्तों इनका जो रियर कैमरा होता है 48MP प्लस 2MP प्लस 2MP एंड फ्रंट कैमरा 16MP देखने को मिलता है। दोस्तों इनकी प्राइस 19999 में आपको बहुत ही अच्छा प्राइस में रियलमी की तरफ से मिल जाएगा। तो नंबर 1 पे आता है IQ ब्रांड की तरफ से IQ GF5। ये फ़ोन एक्चुअली अंडर 20K बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है IQ ब्रांड की तरफ से। ये फ़ोन स्पेशली परफॉर्मेंस एंड कैमरा यूजर्स को टारगेट करने के लिए लॉन्च किया है। सबसे पहले इनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का को मिलता है, जो कि काफ़ी एक बढ़िया परफॉर्मेंस है। दोस्तों अगर इनकी रैम की बात की जाए तो 12GB रैम और 256GB स्टोरेज मिल जाएंगे। अगर दोस्तों इनकी बैटरी बैकअप की बात की तो 5000mAh का लंबा बैटरी आपको देखने को मिलता है। दोस्तों अब इनकी कैमरा की बात की जाए तो रियर कैमरा 64MP प्लस 8MP प्लस 2MP एंड फ्रंट कैमरा 16MP, जो कि एक लाजवाब कैमरा है। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा